सिवनी जिले में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय विधायक दिनेश राय मुनमुन ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर फसलों को बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा की। इस अवसर पर कलेक्टर प्रवीण सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। दौरे के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक ने सरकार से किसानों को तुरंत मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर इस समय किसानों की मदद नहीं की गई तो किसान पूरी तरह से टूट जाएंगे। लेकिन वर्तमान में किसान बिल्कुल अंतिम सांस लेने की स्थिति में आ गया है। अगर सरकार ने इस दुख में इस समय में अगर साथ दे दिया तो वास्तव में किसान जीवित हो जाएगा, नहीं तो किसान टूट जाएगा साहब। कर्जा माफी तो सेकेंडरी है, कर्जा माफी हो जाए। कांग्रेस की शुरू से ही ऐसी कार्य प्रणाली रही है कि सब कुछ होने के बाद जब सब कुछ चेक बटने लगेगा तब वो सामने खड़े हो जाएंगे और कहेंगे जी हम बंटवारे श्रेय की राजनीति करते हैं वो लोग और हमेशा करते आए हैं। और मैं नहीं समझता ये अच्छा है, क्योंकि दुख के समय में अगर किसान के पास आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप, मैं नहीं मानता कि आप सेवक के रूप में काम कर पाओगे। मध्य प्रदेश के मंडला में उप